हेलो एंड वेलकम टू ट्यूशन ऑफ फाउंडेशन। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हम किसी क्वेश्चन को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर देते हैं तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की सिचुएशन में हमको किस क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा और किस क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यार चलो वीडियो स्टार्ट करो, सारे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने क्वेश्चन किया हुआ है, अगर तुमने कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिया है तो यार होता रूल ये है कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं उनको चेक कर दिया जाता है और उनके मार्क्स तुमको दे दिए जाते हैं, और जो एंडिंग का क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा होता है उसको क्या है, कट कर दिया जाता है, चाहे वो सही हो चाहे उसका आंसर क्या गलत हो, उसको कट कर देता है एग्जामिनर। अगर हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझें, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन नंबर वन के तुम्हारे क्या है, फोर पार्ट्स हैं, लेकिन तुमको करने सिर्फ थ्री पार्ट्स थे, तो तुमने क्या किया, तुमने चारों के चारों पार्ट कर दिए। तो क्या होगा, जो शुरुआत में तुमने पार्ट किया होगा, जैसे तुमने पार्ट ए शुरुआत में किया, पार्ट बी शुरुआत में किया, पार्ट सी शुरुआत में किया, तो यार वो तुम्हारे चेक हो जाएंगे और डी वाला क्या कट जाएगा। और यार अगर तुमने ऐसे किया होगा कि फर्स्ट का ए किया, फर्स्ट का सी किया, फर्स्ट का डी किया और फिर फर्स्ट का लास्ट में तुमने क्या बी कर दिया, तो तुम्हारा फर्स्ट का ए, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का डी और फर्स्ट का जो बी वाला था वो तुम्हारा कट जाएगा। तो कहने का मतलब है जो तुम्हारे आंसर शीट में ऑर्डर होगा, उस आंसर शीट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होंगे वो तुम्हारे चेक हो जाएंगे और जो लास्ट वाला जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वो तुम्हारा क्या, उसका मार्क्स क्या कट जाएगा, उसका तुमको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। यार काफ़ी बच्चे क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आते हैं, उनको लगता है कि एग्जामिनर गलती से चेक कर देगा। यार ऐसा नहीं होता है, अगर एग्जामिनर ने इनकेस गलती से चेक कर भी दिया तो यार उसको क्या है, इंडेक्स में एंट्री करनी पड़ती है कि यार किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, तो यार उस जगह तुम्हारे मार्क्स क्या डिडक्ट हो जाएंगे। तो यार गलती होने की कोई बात ही नहीं है, और अगर तुम एक्स्ट्रा करने की सोच रहे हो तो ये सिर्फ तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी और तुम्हारा टाइम की बर्बादी होगी। तो यार बस तुम इतना ध्यान रखो कि अगर तुमको अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है तो तुम अच्छे से प्रिपरेशन करो और सिस्टमेटिक वे में सही से फॉलो करो, और यार प्लेलिस्ट में जाकर तुम क्या वन शॉट लेक्चर देखकर अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा कर सकते हो। कोई भी तुम्हारी प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।